जय माता दी। देखिए हमारे ग्राम दुहाव में किस प्रकार से जब जवारे निकलते हैं चैत्र मास में नवरात्रि पर, दिवाली पर जवारे बोए जाते हैं, और इस प्रकार से देखिए माँ देवी जब आती हैं तो भक्तों को इस प्रकार से भाव आते हुए ये देख पाओगे आप। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार से हमारे यहाँ पर जवारे निकलते हैं। ये दिवाला है जहाँ पर हम इन जवारों को मिट्टी और गेहूं को खप्पर यानी कि जो मटके होते हैं मिट्टी के बने हुए उनमें रखकर 9 दिन तक उसमें पानी डालकर इनको बड़ा करते हैं। देखिए किस प्रकार से हरे भरे हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दिवाले से माँ ज्वालामुखी माता जी के चरणों में इनको समर्पित करते हैं, और इस प्रकार से यहाँ पर भक्त लोग यहाँ पर देवी भक्तें गाते हैं, जिस प्रकार से माता जी यहाँ पर प्रकट होकर सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। जब भक्तों के माध्यम से माता जी की आरती होती है तब यहाँ पर खपरों का वितरण चालू होता है। देखिए सभी दिवाली पर लाने लग चुके हैं, और सभी को जिनने जैसे हमारे यहाँ पर 2 खप्पर बोए जाते हैं, इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति जितने खप्पर बोते हैं उतने उनको मिलते हैं, और यहाँ से सब दिवाली से लेकर चलते हैं और माँ ज्वाला जी माता जी के चरणों में इनको समर्पित करते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे। रास्ते में कई माता बहनें दूध से इन जवारों का अभिषेक करती हैं, और सभी श्रद्धालु यहाँ के गांववासी सब यहाँ आनंदित होकर, छोटे बच्चे सभी उत्साह में होते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग और छोटे छोटे बच्चे काफ़ी उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। ये कार्यक्रम लंबा चलता है, दोपहर से कार्यक्रम लग जाता है और लगभग रात्रि के 12-1 बजे तक यहाँ पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर सब लोग जा रहे हैं पहले दिवाली से माता जी के यहाँ पर। यहाँ के बाद दिवाली पर पंडा को माता जी आती हैं, भक्तों की अर्जी स्वीकार होती है। अर्जी स्वीकार होने के उपरांत पंडा बाबा के साथ सभी जो खप्पर होते हैं घड़ कहलाते हैं उनके साथ साथ पूरे गांव में जाते हैं, हर घर घर जाते हैं, हर घर पे माता जी का भोग लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर सब आ गए हैं माता जी के चरणों में। बोलिए माँ ज्वाला माता जी की जय हो। और यहाँ पर सब साष्टांग माता जी को दंडवत करते हैं। आज क्योंकि नवरात्रि का अंतिम अर्थात नवमी दिवस है, तो सभी माता जी के चरणों में अपनी अर्जी को लेकर आते हैं। काफ़ी सारे भाव दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भंडारा करते हैं, कोई नारियल फोड़ते हैं। सुबह ही से लगभग भीड़ होती है यहाँ पर, जो जवारे होते हैं जिनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है, जिनके संतान नहीं है, कोई जॉब की संतान, इस प्रकार से कई सारी अपनी अपनी अर्जी लेकर आती है। जब उनकी अर्जी पूरी हो जाती है तो यहाँ पर माता जी के चरणों में हर नवरात्रि यहाँ पर भक्त आते हैं, ग्रामवासी तो आते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग आते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर सभी भक्त यहाँ पर माता जी के चरणों में अपना आशीष झुका रहे हैं, और चारों तरफ से कई सारे गांव के लोग आए हुए हैं। पंडा बाबा हमारे यहाँ के प्रमुख पंडा बाबा हैं जिनको माता जी आ गई हैं। देखिए ये सामने हैं हमारे यहाँ के प्रमुख पूर्व पंडा। इसके पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं कि बारी को निकाल लेते हैं और उसमें से जो खप्पड़ बचता है वो घर ले जाते हैं। देखिए यहाँ पर बारी चढ़ा गए हैं और खप्पड़ अपने घर ले गए हैं, जिसे मिट्टी वगैरह यहाँ पर डाल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे नादान होते वो कर देते हैं। माँ के आप दर्शन कीजिए, जय हो मैया जी। यहाँ से और भी भक्तों को माता जी आती हैं, है ना। इस प्रकार से आप देखिए इनको भी आगे, ये पतरी दाऊ कहलाती है हमारे यहाँ की। तो यहाँ पर सभी देखिए अब यहाँ से पूजा होने के बाद अब हर घर घर जाने के लिए तैयार हैं, हमारे घर पर भी आ गए। देखिए रात्रि के अभी 10-11 बज रहे हैं और यहाँ पर छोटी छोटी बहनें लोग खप्पर रखे हुए हैं, और गांव के जो हमारी कीर्तन मंडली होती सब साथ में आती है और भजन कीर्तन करते हुए माता के भक्त गाते हुए घर घर जाकर माता जी का यह दिवाला लगाते हैं और हर घर से माता जी को भोग लगाते हैं। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा अंत तक ज़रूर देखें, और इसी प्रकार के गाँव देहात की जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे अभी वर्तमान में लुप्त होती जा रही हैं उनको
देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जय माता दी, जय श्री राम, जय पाकिस्तान सरकार। एक और बात, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो आप बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आप उसको ऑन नहीं करोगे तब तक आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। आपको सभी को एक बार पुनः जय माता दी।